ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो नई वैकेंसी आई है यूपी से रिलेटेड, उसके बारे में। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो लोग भी जानना चाहते हैं, यूपी में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उसको भी ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आने वाले जितने भी क्लासेज हैं उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी और आप सभी चीज़ों के बारे में जुड़े रहेंगे, सारे अपडेट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। एग्ज़ाम के लिए तैयारी वगैरह भी आपको कराया जाएगा, तो सारी चीज़ों का लाभ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, दो वैकेंसी आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। एक तो आया कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2019, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेंट का आया है। और दूसरे की बात करूं अगर मैं, तो दूसरा आया आपका रिव्यू ऑफिसर का। ठीक है, दो पोस्ट आए, एक आया है रिव्यू ऑफिसर का और दूसरा आया आपका कंप्यूटर असिस्टेंट का। अब देखिए, मैं आपको दोनों का डेट बता देता हूँ, दोनों का डेट सेम ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए मैं रिव्यू ऑफिसर से स्टार्ट करता हूँ, डिटेल में आपको चीज़ें बताता हूँ। इसकी स्टार्टिंग जो डेट है वो 30 तारीख को ही थी, 30 सितंबर को। उसके बाद फीस जमा करने का डेट जो शुरू हुआ है वो 1/10/2019 को ही शुरू हो गया है। ठीक है, यानी कि कल के डेट को ही शुरू हो गया है। उसके बाद अप्लीकेशन को भरने का लास्ट डेट जो है वो है 21/10/2019। ठीक है, ये लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन भरने का लास्ट डेट है। उसके बाद लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ फीस, यानी कि जो फीस पेमेंट होगा, जो पैसा लग रहा फॉर्म भरने का, वो आपका 22 तारीख है। यानी कि आप लोगों को 22 अक्टूबर तक जो है फॉर्म फिल कर लेना है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, अब चलिए और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, कंप्यूटर असिस्टेंट में भी सेम चीज़ें हैं, तो परेशान मत होइएगा, मैं एक बता रहा हूँ तो मैक्सिमम चीज़ें वहीं से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए रिव्यू ऑफिसर के वैकेंसी की बात करो तो टोटल 132 पोस्ट है। ठीक है, और इसमें आप लोगों से सिर्फ बैचलर डिग्री, यानी कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो मांगा गया है। ठीक है, अगर वो आपके पास है या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो उसको मान्य किया जाएगा। और सेम चीज़ यही है आपका कंप्यूटर असिस्टेंट वाले में, जिसमें केवल 15 पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें भी जो है आप लोगों से कंप्यूटर क्या नाम है, कंप्यूटर्स में भी क्वालिफिकेशन माना गया, मतलब आपके पास CCC या उसके जैसा, उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा, आपके पास कंप्यूटर की भी डिग्री होनी चाहिए अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब केवल रिव्यू ऑफिसर का बात करूंगा, क्योंकि इसमें 15 पोस्ट है तो आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें रिव्यू ऑफिसर जैसी ही हैं। तो अब चलिए उसी के बेस पर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए रिव्यू ऑफिसर की बात करें तो 132 पोस्ट, और इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपका क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, या उसके इक्विवेलेंट कोई चीज़ें हों तो वो भी उसमें मान्य होगा। उसके बाद जैसा कि रिजर्वेशन होता है यूपी में, ठीक है, SC ST OBC के लिए वो सभी चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके बाद जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं उनके लिए भी है। ठीक है, जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए भी, और जो एक्स सर्विस मैन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उन सभी के लिए जो है यहाँ पर जो रिजर्वेशन होता है, आरक्षण होता है, वो भी लागू है। उसके बाद जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो खेल से रिलेटेड लोग होते हैं, उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं एज पर रूल, जैसा भी नियम बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कैसा है, आप यहाँ पर अपने सामने देख सकते हैं कि रिजर्वेशन कितना किया गया है। अब देखिए, जो जो मैंने बताया 132 पोस्ट है, उसमें अनरिजर्व यानी कि 68 सीटों के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो इस पर जो है कंपटीशन करेंगे। बाकी SC के लिए 27 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, ST के लिए 2 सीटें, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 35 सीटें, और अनरिजर्व के लिए 68 यानी 68 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आने वाले समय में हो सकता है नंबर बढ़ भी जाए वैकेंसी का, यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में वैकेंसी बढ़ जाए। अब देखिए, जो लोग यूपी के हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले जो है यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं पाएंगे, वो जनरल कैटेगरी वाइज जो है ट्रीट किए जाएंगे। मतलब वो जैसे जनरल कैटेगरी के होते हैं उसी तरीके के वो माने जाएंगे किसी अदर स्टेट से हैं। अगर यूपी के हैं और आप SC ST OBC या महिला हैं, तो आपके लिए जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उसी बेसिस पर होगा, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजों की और बात कर लेते हैं जो आपके लिए जरूरी है, और वो जरूरी क्या है, वो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, और जो अदर क्वालिफिकेशन के लिए चीजें चाहिए उसके बारे में जान लीजिए।
आप लोगों से मांगा क्या गया है, आप लोगों से यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बीए बीएससी या बीकॉम जो भी आप किए हैं या बीटेक किए हैं वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास एक डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए जो नेलेट या डोएक के द्वारा जो है सर्टिफाइड हो, ओ लेवल सर्टिफिकेट हो या फिर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट हो, मतलब आपके पास एक रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूट होती है उसके द्वारा आपके पास एक कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। ट्रिपल सी की अगर डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा ट्रिपल सी का फॉर्म कैसे भरना है, कितना फीस लगेगा और कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे एग्जाम देना है और कैसे पास हो सकते हैं, बहुत ही आसान है, हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिपल सी की डिग्री अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आपके पास और भी जो डिग्री है ओ लेवल की वो सब हो तो ठीक है, ठीक है। यानी कि आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से एक आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिग्री या सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरा पॉइंट है, ये आपके पास जानकारी होनी चाहिए, इसकी कोई डिग्री नहीं होती, ये नॉलेज होता है। आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जैसे डाटा एंट्री क्या होता है, कैसे एंट्री करते हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि आपको जब आप कंप्यूटर में आप सिलेक्शन लेंगे या रिव्यू ऑफिसर बनेंगे तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा, आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है उसके बारे में जानना है, कंप्यूटर ऑपरेशन के बारे में जानना है, यानी कि अगर आपको कंप्यूटर चलाने भी आता तो भी आप इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जान नहीं रहे होंगे अगर आपने कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं की है। तो कंप्यूटर चलाना और इसके बारे में नॉलेज रखना दोनों अलग चीज़ें हैं, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आपको कंप्यूटर किताब लेके पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एज की बात कर लेते हैं, ठीक है, एज की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जान लीजिए कि मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम एज है 35 साल, ठीक है। ये दो एज का क्राइटेरिया है, स्टार्टिंग 21 और अंतिम 35, इसके बीच में है तो आप जो है रिव्यू ऑफिसर के लिए सिलेक्टेड रहेंगे। अब देखिए कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि 21 साल कैसे काउंट करेंगे, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ एग्जैक्टली डेट, अगर उस डेट के बीच में आपका आता है तो आप जो है क्वालिफिकेशन मतलब फॉर्म भरने के लिए जो है एप्लीकेबल होंगे। देखिए अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1984 के बाद और 1 जुलाई 1998 के पहले हुआ है तो आप मतलब फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। फिर से सुन लीजिए, आपका जन्म 2 जुलाई 1984 से लेके 1 जुलाई 1998 के बीच में होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। अगर 2 जुलाई 1984 से पहले या 1 जुलाई 1998 के एक भी दिन बाद है, अगर मान लीजिए 2 जुलाई 1998 है तो बिल्कुल आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि 21 से 35 और इनके बीच में, तो आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर याद रखे होंगे तो मिला के देख लीजिए, बाकी आपको यहाँ पर ये सब नहीं याद करना है, ठीक है। ये सब याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब डेट को याद नहीं करना है, बस इतना याद रखिए, अगर इतना है तो फिर आप सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के या फिर जो डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो यूपी के हैं स्पेशली उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, हर एज में आप 5 साल बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 5 साल उनको छूट दी गई है, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए भी 5 साल है, उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 3 साल दिया गया है, ठीक है, 3 साल का रिलैक्सेशन है। आगे बढ़ते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए 15 साल का मैक्सिमम लिमिट दिया गया है रिलैक्सेशन का, बट वो क्राइटेरिया वाइज है, उसको आप थोड़ा सा डिटेल में सर्च करिएगा फिर आपको पता चल जाएगा, मैं यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनैलिटी की बात करें, जो लोग फॉर्म भर सकते हैं वो इंडिया के हों, इंडिया में किसी भी स्टेट के हों तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से पेपर आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ बताने वाला हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करो तो 2 स्टेज में आपका जो है एग्जाम होता है। पहले स्टेज में बात करो तो पहला स्टेज जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न वाला होता है, उसमें OMR सीट दिया जाता है और ये एग्जाम ऑफलाइन होता है, ध्यान में रखिएगा। बहुत बच्चे पूछेंगे कि कंप्यूटर वाला तो हो सकता हो कंप्यूटर वाला एग्जाम हो, नहीं, ये पहला स्टेज वाला ऑफलाइन होता है जिसमें 200 क्वेश्चन दिए जाते हैं और मैक्सिमम मार्क भी 200 का होता है, यानी कि पर क्वेश्चन 1 नंबर। और आप लोगों को जो समय दिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए यानी पहले स्टेज के लिए, उसमें 150 मिनट दिया जाता है, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होता है, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो ये ध्यान में रखिएगा, कई बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, पहले स्टेज में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर 150 मिनट यानी कि 2 घंटे
30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे में 200 क्वेश्चन करना है और एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि सारे क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट अगर कंप्यूटर का नहीं है तो सेकंड स्टेज बिल्कुल कंप्यूटर का है। सेकंड स्टेज जो है ये एग्जामिनेशन, ये कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। अब कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, इसका मतलब हो सकता है कंप्यूटर पर ये एग्जाम हो, ठीक है। तो ये एग्जाम बिल्कुल कंप्यूटर पर होने वाला है। इसमें 50 नंबर का ये पेपर होगा और 15 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है। 15 मिनट 50 नंबर का पेपर। इसमें आप लोगों को टेक्स्ट दिया जाएगा इंग्लिश में, लगभग 500 वर्ड के। आपको उसको दूसरे लैंग्वेज में लिखना है या हो सकता हो उसको डायरेक्ट वैसे ही लिख देना है, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पर दिया है कि प्रोवाइड ए टेक्स्ट इन इंग्लिश, और वो भी 500 वर्ड के होंगे, ठीक है। आपको सेम फॉर्मेट में कंप्यूटर में फीड करना है 15 मिनट में। हाँ, ये एग्जैक्टली यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आपको इंग्लिश का एक सेंटेंस दिया जाएगा या एक पूरा पेज दिया जाएगा जिसमें 500 वर्ड में कुछ लिखा होगा, उसको एग्जैक्टली वैसे ही बिना किसी वर्ड के गलती के आपको एग्जैक्टली वैसे ही लिख देना है कंप्यूटर में, और 15 मिनट में। अगर आपने पूरा सही किया तो आपको 50 नंबर दिया जाएगा, जैसे आप गलती करेंगे उसी अकॉर्डिंग आपका नंबर कटता जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए 10 वर्ड पे 1 नंबर है, तो जितना गलती करेंगे उसी तरीके से नंबर कटेगा। मान लीजिए 10 वर्ड गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, उस तरीके से आपका यहाँ पर चीज़ें होंगी। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, इसमें 50 नंबर का पेपर होगा, 15 मिनट दिया जाएगा। उसमें क्या होगा, एक पेज पर 500 वर्ड लिखे होंगे, उसको आपको एग्जैक्टली कंप्यूटर में टाइप करना, यानी कि आपको टाइपिंग आना चाहिए और खास करके इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है इंग्लिश में आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इंग्लिश का टाइपिंग आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके अलावा देखिए, प्रत्येक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर कंपटीशन में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा कंपटीशन भी हाई हो सकता है, तो अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास चीज़ें, जानकारी जो यहाँ पर जानना था आपके लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेपर के बारे में जान लीजिए क्या क्या पूछा जाएगा। ये भी थोड़ा सा बच्चों के बारे में जो है कन्फ्यूज़न होता है, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। अगर बात करो फर्स्ट स्टेज में, तो मैंने आपको बताया 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटा 30 मिनट का। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, नो माइनस मार्किंग। इसमें पूछा क्या जाएगा, इसमें आपका पूछा जाएगा जनरल साइंस यानी कि साइंस, हिस्ट्री पूछा जाएगा, उसके बाद जो स्वतंत्रता संग्राम हुए थे, नेशनल मूवमेंट हुआ था उसके बारे में, यानी ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आपको हिस्ट्री पूरा पढ़े हैं तो आप ये कर लेंगे। उसके बाद आपका पॉलिटी रहेगा, इंडियन पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी रहेगा और आर्ट एंड कल्चर जो होता है वो भी रहेगा। इसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर को अलग रख दिया, क्योंकि ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और आपका इकोनॉमी तीनों मिक्स करके होता है, इसलिए इसको अलग कर दिया कि भारत में जो कृषि होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पर कॉमर्स है, वाणिज्य व्यवसाय है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ट्रेड मतलब व्यापार ही है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पूछा जाएगा पोर्शन वो हो जाएगा जनसंख्या, इकोलॉजी और अर्बनाइजेशन, जो नगरीकरण है उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद विश्व भूगोल, और जो भूगोल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो भारत में रिसोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब भारत में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, जो भी उत्पाद पाया जाता है, टिन कहाँ पाया जाता है, ठीक है, उर्वरक जो चीज़ें हैं, या फिर आपसे पूछ लेगा कि लोहा कहाँ पाया जाता है, खनिज में जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, हीरा कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिसोर्स ऑफ इंडिया होते हैं, वो क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। उसके बाद करंट आपका रहेगा नेशनल और इंटरनेशनल, या फिर जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, इवेंट होते हैं, उससे रिलेटेड आपका करंट अफेयर रहेगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी पूछी जाएगी, जो बेसिक कंप्यूटर के जानकारी होते हैं वो भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। उसके बाद आपको आपके स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, यानी शिक्षा से रिलेटेड आपके पास स्पेशल जानकारी होनी चाहिए, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, उसके अलावा सोशल ट्रेडिशन जो उत्तर प्रदेश का है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि यूपी स्पेशल के बारे में भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास ये भी नॉलेज होना चाहिए जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का, वो भी ग्रेजुएशन लेवल का। यहाँ पर जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। जनरल इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी और हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, वो भी ग्रेजुएशन लेवल का। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए ये जनरल इंटेलिजेंसिया का मतलब है यहाँ पर रीजनिंग, ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शायद गलत बता दिया है, ये रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग आपको आना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को जो कंप्यूटर नॉलेज है वो पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेज की बात करें तो जो कि 15 मिनट का है, इसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, इसमें क्या होगा कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा, ये 50 नंबर का पेपर होगा। तो टोटल मान लें तो 200 का पहला स्टेज और 50 का ये, तो टोटल कितना हो गया 250 नंबर का ओवरऑल पेपर होगा। समझ गए आप लोग,
तो ये है आप लोगों का ओवरऑल जानकारी आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए जो फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल जो मेरिट बनेगा उसमें जितने भी पोस्ट दिया, मान लीजिए रिव्यू ऑफिसर का 132 पोस्ट दिया है, तो उसमें आपका जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है और सेकंड स्टेज का एग्जाम है, इन दोनों को एक साथ लेकर इक्वल मार्क जो है आपका कैंडिडेट वाइज बनेगा, यानी कि दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे आपके फाइनल मेरिट में। तो याद रखिएगा, पहला स्टेज अगर आपने बेस्ट कर दिया और सेकंड स्टेज भी अगर आपने पासिंग मार्क ले आया तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपका दोनों स्टेज का नंबर यहाँ पर ऐड करने की बात हो रही है, तो ये आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है, ठीक है। बाकी और इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए क्या हो सकती है, यही चीज़ें हैं, बाकी इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिएगा सारी चीज़ें। अब फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए आप लोग जो है वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। फीस देख लीजिए, हाँ फीस बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 750 रुपये लग रहे हैं, और जो एससी एसटी के लोग हैं उनके लिए 500 रुपये लग रहे हैं, लेकिन जो अदर स्टेट के होंगे वो भी जनरल में आ जाएंगे तो उनका भी 750 लगेगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, और एग्ज़ाम कब होगा अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अगर पता चलेगा तो इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं www.allahabadhighcourt.in। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कमेंट करते रहेंगे, आपको सारी जानकारी चाहिए तो हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताते रहेंगे, परीक्षा का रिव्यू भी देंगे, किस तरीके से पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। सेम चीज़ें यहाँ पर दूसरे एग्जाम के लिए भी था जो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर वाला, उसमें भी यही चीज़ें हैं, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। बस आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ये थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, तो बस उतना आप कर लीजिएगा, उतना ही आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा प्री एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी, किस तरीके से पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे फॉर्म भरना है, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। पुरानी ईयर के पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, और आने वाले जितने वीडियोज हैं उसकी सूचना आप आराम से प्राप्त करते रहिएगा। लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जो लोग भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिएगा, हो सकता है आपके शेयर से उनको जो है जानकारी मिले और भविष्य में हो सकता है उनका सिलेक्शन भी हो जाए इस एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।